आज का जो सुबह का नाश्ता होने वाला है वो होने वाला है राई की भुजी बनने वाली है। तो एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो अब हमारे जो हमने लास्ट टाइम दादा ने यहाँ पे ना लहसुन प्याज लगाए थे वो भी कितने बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एकदम हाँ लहसुन दादी ने माँ ने लगाया था तो ये प्याज लगाया था दादा ने तो यहाँ से हटा भी दिए। ये जो फूल देख रहे होंगे ना गोल गोल से तो ये है प्याज के बीज, इनके अंदर से बीज निकलेंगे प्याज के। तो यहाँ पे ना राई के पत्ते काफी बड़े बड़े हो चुके हैं और फूल भी क्या सुंदर दिखाई दे रहे इधर ना बढ़िया से। तो इसको एक पतीले में बढ़िया से धोएंगे। अपनी भुज्जी भी बनके एकदम मस्त रेडी हो चुकी है तो पहले इसको खत्म करते हैं फिर करते हैं बात। तो खाना खाने के बाद अभी ना थोड़ा मुझे ये काम दिया है, ये धनिया है तो ये बिराना है यानी कि इसकी जड़ें अलग करनी है। और मैंने सोचा कि चलो इसको काम को करते हैं। अब मैं इस झूले में बैठा तो इसके पीछे देखिए आप किसी ने इसमें कंडाली रखी थी, ये शायद भुज्जी के लिए बनेगी ना। और मैं इसमें गलती से बैठ गया, अब बहुत ज़्यादा खुजली लग रही है बहुत ज़्यादा खुजली लग रही है, बैठ गया मैं उसमें तो जरा सी दादी के पास आए हैं इधर बैठने के लिए। दादी भी इधर नहा धो के बैठी, नहा धो के ना भाई ये नहीं आई लेकिन अभी पता क्या है दादी अभी मैं कंडेली लग गया यार, मैं कंडेली में बैठ गई फन चो कंडेली भुज्जी मिल लियो झमझाट रहता है ना झन 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 झन। अभी जाएंगे अभी हम बांझ के लिए चारे भैंसों के लिए ना चारा लेने के लिए। चलो फिर चलो हाँ मिल भी जाना लाना तेर मार दे। अभी प्रॉपर चलते हैं जरा काम वाम निपटाते हैं। काम काटे उनसे ताल सकने हैं चल बांदर आ खाना इसका बांदर भी आ रहे हैं आजकल गांव में परेशान कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं अपना भैंस के लिए बांझ लेके आते हैं। अब ये बिल्ली के बच्चे भी ना कितने बड़े हो चुके हैं, जब ये हमारे घर पे आए थे ना तो हमारे घर पे यही ये आई थी और ये इसका बच्चा है जबकि ये कितना बड़ा हो चुका है। और एक कोई ले गया तो ये दो अब हमारे पास है और ये दरअसल कहीं से घूमते हुए आई थी। और ये पहले कैसा था ना बच्चा सा था छोटा सा थे पहले, अगर जो आप पहले से हमारे ब्लॉग देखते होंगे। और ये कैसे देख रहे हैं ना यहाँ डॉगी आ गया, क्या हुआ सुबह में ना मौसम साफ था और अभी क्या हो चुका है एकदम बादल ही बादल लग चुके हैं ना चारों तरफ, लगता है कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए। वैसे भी अब बारिश दिखा रहा है कहीं बर्फ वगैरह ना पड़ जाए कहीं दोबारा से। तो अभी चलते हैं वापस खेतों में अपने। तो काफ़ी दिनों बाद ना बांझ लेके आया तो भाई सब थकान से लग गई। तो लंच करने के बाद आज सभी इकट्ठा हो चुके हैं फिर से, सब नहीं आए आज कमी आए तो आज कमी लोग आ रखे हैं। अब आ रहे हैं आप। अच्छा अभी लंच नहीं किया सबने तो यहाँ पे लंच होता है थोड़ा लेट। अच्छा आज बनेंगे ना अरसे, तो ये जो चावल है ये सुबह में भिगाए थे तो अभी कूटे जा रहे हैं तो अभी धीरे धीरे करके लोग आएंगे तो चावल ज्यादा है तो धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा करके सब कूटेंगे उसके बाद इजी हो जाएगा। तो अरसे बनाने के लिए स्पेशल अलग से दो आदमी आएंगे, दो तीन जो भी बनाएंगे। अच्छा हाँ अब दादी भी आ गई है तो दादी यहाँ पे स्पेशल चाय लेगी। और आज कंडाली नहीं रखी आपने कहाँ है क्या हो यार नकली आदमी हो तुम तब होना चाहिए हम तब बोल रहे हो कि तुम हम वो हैं तो कंडेली रखना भी जरूरी है। ये इसके बारे में हमने कल वाले ब्लॉग में बताया कंडाली रखने के बारे में तो वो वाला ब्लॉग देखना कंडाली क्यों रखी जाती है। तो दादी को स्पेशल अलग काम दिया है, पता है ना सबको दादी कूट नहीं पाएगी तो दादी को चालने का काम दिया। तो ये जो मोटे मोटे दाने हैं ना अब ये दोबारा उरखेल में जाएंगे तो वहाँ से कूट के वापस आएंगे। बीस रुपए अपनी जवानी में ना दादी ने भी बहुत काम किया है और आज दिखा रहे हैं कि हाँ मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। ये जो भाभी है हमारी हंस रही है
हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? कुछ गलत बोल क्या दादी? मैंने कुछ गलत बोला? बहुत अच्छा दादी ने बहुत काम किए हैं भाई, ये तो एक छोटा सा नमूना है दादी ने जो काम किया। टैलेंट तो है ही, पर जो दादी ने भी किया एक छोटा सा नमूना है। दूसरे नंबर की शुक्री देवी आ गई। अरे चाची पीछे झूम बैठे, क्यों बैठे हो? ये देखिए ये सगुर। मौसम तो अभी बढ़िया हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अगर जो पहाड़ी रीति रिवाजों की बात की जाए ना, तो शादी के शादियों में यानी कि शादी के लिए अरसे बनाना उनमें से एक रिवाज है। तो गांव के सभी लोग तो नहीं आए, जिनको बुलाया है कम कमी, तो अरसे कुछ ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़ा कम ही बनेंगे, पर ठीक ठाक ही बनेंगे। तो कुछ लोगों को बुलाए गाँव के और यहाँ पे आए हैं, तो सभी मिलके अरसे वगैरह बना रहे हैं। अब हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो दिखाते हैं इसकी प्रोसेसिंग वगैरह ना किस तरीके से की जाती है। तो दरअसल में सुबह में ये चावल भिगाए थे और अभी तकरीबन डेढ़ दो बजे करीबन दो, तो ये कूटे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ना इस साइड में आते हैं, तो अगर यहाँ पे से दिखाएंगे ना आपको, ये है साबुत चावल जो कि ये पानी में भिगाए थे सुबह, गुनगुने पानी में भिगाए ना चाची के, तो गुनगुने पानी में भिगाए। अभी सुबह से अभी दो बज चुके हैं, मतलब समझ गए आप, और ये आप कूटे जा रहे हैं। तो इसमें डाल दिया साबुत चावल और ये है गंजेले, तो इनसे ये कूटा जाएगा। कूटने के लिए इनको मिक्सी में भी कूट सकते थे और मशीन से भी कूट सकते थे, और इसमें स्वाद अलग है, यानी कि जो उरखेल है, ये गंजेल है, इससे जो कूटा जाएगा ना, और मतलब एक अलग ही ये बारीक पिसा जाएगा और इसका स्वाद अलग आएगा। और मशीन से क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है, तो वो चीज स्वाद नहीं ला पाएगी अरसों में ना। तो उरखेल में कूटने का स्वाद ही अलग है, ये नीचे उरखेल, ऊपर ये गंजेले से कूटा जा रहा है। तो हम आप पहाड़ियों में तो आपको पता ही होगा उरखेल किसे कहते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग ऐसे चलती है, और फिर उसके बाद ना बाकी यहाँ से प्रोसेसिंग है। और बोड़ी और दादी जी सबका हल्ला भी हो रखा है, तो यहाँ पे ना जितने भी उस साइड से बारीक हो रहा है, तो इस साइड में चाला जा रहा है और छलनी से, ये देख रहे होंगे आप। तो जितने भी मोटे मोटे इसमें वो हो जाएंगे ना चावल, बच जाएंगे। हाँ चावल बच जाएंगे मोटे मोटे, तो वापिस वहीं जाएंगे वो, फिर बारीक होके ऐसे होंगे कुछ बारीक, इतना बारीक होना जरूरी है इनका ना, देख रहे होंगे। तो हल्का हल्का करकरा सा है दादी, ऐसे ही होना चाहिए ना दादी, इन्हें उड़ जाना है। दादी की आवाज नहीं आ रही, बोड़ी बोलेगी है बोड़ी, मतलब ये अगर इस पर हाथ लगा रहे एकदम आटे जैसा नहीं है, ये हल्का करकरा सा है, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। अभी बनाएंगे इनको, इसको कूटा किस हिसाब से जाता है, एकदम बारीक या हल्का करकरा होना चाहिए? करकरा होना चाहिए ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो ये हल्का करकरा सा है ना, इसमें अभी देखोगे ना तो छोटे छोटे दाने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अगर जो बारीकी से देखोगे तो ये कुछ इस टाइप में दाने भी है यहाँ पे हल्के छोटे छोटे। हाँ तो शादियों में यहाँ पे मिठाई के रूप में अरसे बनाए जाते हैं। अच्छी, और बोड़ी अभी व्लॉग बनानी है, तो बोड़ी इधर कैमरे में देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो बन रही है। क्या हुआ किस चीज का? किस चीज का ना ना, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अब चाय बनेगी सबके लिए, तो सब लगे पड़े काम काज करने पे। तो दरअसल इसकी प्रोसेसिंग ना काफी लंबी होती है, तो अब यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे ये चूल्हा भी लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे अरसे बनेंगे। तो अरसे की प्रोसेसिंग आपको पता ही होगी, अगर जो आप पहाड़ी होंगे, गुड़ पिघला के बनाए जाते हैं, तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये धीरू बना रहा है यहाँ पे। चूल्हा तो आजकल ये ऑटोमेटिक रेडीमेड बने आते हैं, तो पहले क्या करते थे कि पत्थर लगाते थे, शायद इसमें भी गुड़ पिघलने में ना काफी टाइम लगता है, तो साबुत गुड़ पिघलाए जाएंगे ना तोड़ तोड़ के। तो अभी से मतलब यहाँ पे धीरू आग जला रहा है, तो आग जब तक जलेगी तब तक यहाँ से ये पिस भी जाएगा, और फिर थोड़ी देर में गुड़ भी रखेंगे।
पिघलाने के लिए। तो अब सबका हल्ला भी होने लग गया ना, अब जब ज्यादा लोग हो जाते हैं इकट्ठा ना जहाँ पे, वहाँ पे हल्ला होता ही है, आपको पता ही है। अब आग भी बढ़िया से जल चुकी है, और यहाँ पे ये जो बड़ी सी क्या कहते हैं इसको, पतेला, पतेला है, इसमें ना गुड़ को छोटा छोटा किया जा रहा है ताकि गुड़ आसानी से पिघल जाए, ज्यादा टाइम नहीं लेना, साबुत गुड़ से अच्छा है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। तो चावल है यहाँ पे अपने पास 7 नाली, यानी कि 7 नाली 14 केजी चावल, और उसमें कितनी भीली तोड़ी जा रही है बोला, कितनी भीली तोड़ी है गुड़ कद गचा, फिर भी 10, तो 7 नाली में 10 गुड़ यहाँ पे पिघलाया जा रहा है, तो इनके बनेंगे अरसे। गिंदड़े अलग होते हैं, ये है भेली, यहाँ पे भेली बोलते हैं ना पहाड़ों में गुड़ को। तो अभी इसकी प्रोसेसिंग होने में ना काफी टाइम लगेगा, बाकी सब उधर बात वगैरह भी कर रहे हैं, और इधर आपको पता ही है इसको गुड़ को छोटा छोटा किया जा रहा है, और यहाँ पे आग भी अपनी अब परफेक्ट जल गई। तो अभी ये आज का जो दिन है अरसों की बनने की ना काफी लंबी प्रोसेसिंग होती है, तो रात को 9 बज जाएंगे अब। बाकी अपना यहाँ पे बात वगैरह कर रहे हैं, इनका छुई भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये काम करने वाले तो 2 ही आदमी है, बाकी उसके बाद ये छुई लगा रहे हैं। गुड़ आसानी से पिघल जाए इसलिए ना थोड़ा पानी भी डाला जा रहा है इसमें, और इस पे बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है ना, तो पानी ज्यादा नहीं रखा है, ये वाला 1 लोटा पानी रखा है बस। अब इसका ध्यान रखना है ये चिपके ना ज्यादा ना नीचे, इसको बहुत हिलाना भी पड़ेगा बीच बीच में। और जब तक भैजी इसको फरकाते हैं तब तक आइए आपको इस साइड में भी लेके चलते हैं। अब चाय भी बन चुकी है, चाय रेडी है सभी, अब एक तरीके से टी टाइम हो गया है, तो अब थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, काफी देर से कूट रहे थे सब, चाय वगैरह पी रहे हैं। तो अब अच्छा, तो आज खाली चाय चाहिए, कह रहे कि बिस्कुट तब है लास्ट में बनने के बाद। अभी ना अपनी आग भी बढ़िया से जली है, और जो गुड़ की प्रोसेसिंग है पिघलने की, काफी तेजी से ना गुड़ पिघलता जा रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस हिलाना पड़ता है, इसके लिए एक आदमी की बस की नहीं है, तो 2 आदमी यहाँ पे चाहिए होते हैं। और वहीं पे वो अपना चाय पी रहे हैं अभी भी, तो चाय पी भी लिया और कूद भी लिया, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इनका हल्ला भी हो रखा है। काफी लंबी प्रोसेसिंग के बाद अभी गुड़ पिघल रहा है, तो अभी मुझे भी थोड़ा कहीं जाना है, एक काम है, और तब तक के लिए इसको पिघलने देते हैं एकदम बढ़िया से ना, काफी तेजी से ये पिघल चुका है गुड़। ऐसे बदमाश बच्चे आपको हर गांव में देखने को मिलेंगे 2-4, बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं, अभी कूटने में ना काफी टाइम लगेगा इसको, तो तब तक हम एक चक्कर घर से होके आते हैं। तो अभी क्या है ना, मैं घर से थोड़ा वापस आया ना चाय बना के, तो काफी लेट हो चुके हैं, तो काफी देर से ना ये जो उबाला जा रहा है गुड़ को ना, तो अब कितनी ऊपर तक आ गया और पहले कितनी नीचे था, तो इसको काफी उबाला जा रहा है, थोड़ी देर तक अभी और उबाला जाएगा गुड़ को, इतना उबाला जा रहा है कि पहले आप शुरू में देखा होगा पूरा नीचे का नीचे था, और अब काफी ऊपर तक आ चुका है ना ये। तो यहाँ पे मेथी भी पता नहीं क्यों की जा रही है मेथी, ये कह रहा है अभी यहाँ पे क्या बनेगा, पकौड़े, मेथी के पकौड़े बनने वाले पता नहीं। तो यहाँ पे ना काम भी कर रहे हैं और हल्ला भी हो रहा है इनका, ओ पकौड़े खाने के लिए आना, चाची सीधा कह रही है उससे पहले मत आना है, बहुत हल्ला हो रहा है इनका। अच्छा पकौड़े बनाएंगे भाई साहब, तो बनाएंगे, तो शाम को इनको आलू की थिचोड़ी खिलाई जाएगी सबको, आलू की थिचोड़ी और पकौड़े। अगर इनको एक बात बताए तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें बनाते थे जैसे चाची चाची, तो जब कैमरा खुलता है तो इनकी आवाज नहीं आती है, जैसे ही कैमरा बंद होता है ना सारे आपस में चिल्लाने लग जाते हैं। तो अभी ना काफी चावल बाकी है जो कूटने बाकी रह गए हैं,
ये लास्ट है या और भी है चाची? अच्छा ये लास्ट है। इस साइड में इतने कूटने वाले हैं, चूल्हे पे इतने आदमी हैं जो यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी मेथी एकदम ना बारीकी से काटी जा रही है, आप उस साइड में देखोगे ना पकोड़े बनेंगे साथ में। तो ये काफी ऊपर तक आ चुका है, इसको काफी ज्यादा उबालना पड़ता है। कितने मिनट उबालना पड़ता है इसको अगर कोई घर पे बनाएगा तो? है भाई जी, है कितना उबालना पड़ता है भाई जी? यानी कि जो ये तरक तरक रहा है, क्या बोलते हैं इसको तरकने को, किस तरीके से होना चाहिए भाई जी? इसकी लाइन बननी चाहिए, है लाइन बननी चाहिए भाई जी। यहाँ पे कमी तो यही है कि बंदों में आवाज नहीं है बस। कैसे बननी चाहिए? लाइन बननी चाहिए, मतलब ऐसे तप तप नहीं करना चाहिए, है एक लंबी लाइन बननी चाहिए। जैसे इसको तपकाएंगे ना तो एक लंबी सी धार बननी चाहिए। तो अब हम इस साइड में आए हैं तो वहाँ पे अब उनका घपला हो चुका है ना, कहानियां ही अलग चल रही हैं सबकी ना। आय हाय क्या खुशबू आने लग गई अब गुड़ की भी एकदम बढ़िया से। तो दरअसल इसको चेक पता कैसे किया जाता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, तो ये ठंडे पानी में गुड़ को तपकाया जा रहा है ना, अब इससे पता चलेगा। अब इसकी प्रोसेसिंग अलग होती है ना, अब ये ट्रेंड आदमी है वो उसको चेक कर रहे हैं। दरअसल ये जो गुड़ है ना ये काफी खिंच रहा है, तो कैसा टूटना चाहिए या खिंचना चाहिए अबे जी? टूटना चाहिए खींचना चाहिए? खींचना चाहिए, तो खींच तो रहा ही है। ऐसे 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 बंदे अपने गांव में जिन पे बाच भी नहीं है, मतलब आवाज नहीं है। ओ धीरू क्या कहा भाई जी ने? खींचना है अभी, खिचड़ी ना भाई, खींचना चाहिए ना। चाचा बता देंगे, चाचा क्या होना चाहिए गुड़ को? मीठू बोल, पता कैसे चलेगा कि गुड़ पक गया है? मतलब पता कैसे चलेगा कि ये पक चुका है? ये ठंडे पानी में टूटना चाहिए है? लीसा गुड़ पक गया है ये पता कैसे चलता है? इसमें ना इसकी ये तप तप नहीं गिरना चाहिए जैसे अभी गिरा था, इसकी एक लंबी धार बननी चाहिए, बाल जैसी धार ना। तो यहाँ पे सभी लोग कूट ही रहे हैं गुड़ का। अच्छे से पिघलने के बाद ना अब जो पिसे हुए चावल है वो सीधा उसमें रख रहे हैं और उसको साथ में हिलाते भी जा रहे हैं। कदा चम्मच धरी चाची तुम? हल्दी हल्दी कदा धारे? दो चम्मच हल्दी रखने के बाद और जीरा और सौंफ इसमें मिक्स किया जा रहा है। सौंफ का तो टेस्ट अलग ही आएगा, सौंफ ज्यादा हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरा और सौंफ, जीरा सौंफ ना इसमें अलग ही टेस्ट देगी। तो उसके बाद इसको ना खूब बढ़िया से मिक्सअप किया जाएगा। अभी गुड़ और जो चावल है ना, जो चावल का बारीक मिक्सचर आटा है वो एकदम बढ़िया से घुमा घुमा के ना, जितना ज्यादा घुमाएंगे मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके बाद काम भी चल ही रहा है और यहाँ पे बिस्किट भी आ चुके हैं। तो इतने इतने महंगे बिस्किट हैं, तो हम लोगों के लिए बिस्किट भी आ चुके हैं। अभी पाक भी बन के एकदम से रेडी होने ही वाला है और यहाँ पे ना तेल चढ़ रहा है। सबसे कठिन काम यही होता है ना कि इसको हिलाना काफी टफ हो जाता है, बहुत जान लगती है इसको हिलाने में, हाथ दुख जाते हैं। तो तेल भी अभी जब तक गर्म होगा तब तक इसको काफी देर तक घुमाया जाएगा। और यहाँ पे भी तकरीबन कूट ही चुका है और सब जा चुके हैं, तो सात नाली नहीं इस पे शायद डेढ़ नाली चावल अभी और डाला है हमने, डेढ़ नाली डाला होगा ना। पाक भी बन के एकदम मस्त रेडी हो चुका है, अब थोड़ा टाइट सा होना चाहिए ना। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाने वाले हैं हम। तो ये था नमक, मोटा नमक होता है ना वो है ये। सब अपना अपना काम करके ना फ्री हो चुके हैं, अब जो भी काम बचा है सब इसी साइड में ही बचा है अब। और इस काम में ना पूरा टाइम लग जाएगा, 9 तक बच सकते हैं रात के। इधर चाचा भी बैठ चुके हैं और सब इधर
बातें वगैरह कर ही रहे हैं तो मौसम थोड़ा सा खराब है ही, आज ना बादल लग चुके हैं। अक्सर होता क्या कि वीडियो बड़ी हो जाती है ना तो आप लोग देखते नहीं, इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं ना, तो इसकी जो आगे की प्रोसेसिंग है वो हम आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे खोग भी बनाया, इधर दिखाएंगे, कल खोग बनाया था तो इसको भी टेस्ट करते हैं।